अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओके, तो एक वेज सैंडविच विद एक्स्ट्रा मेयोनीज और एक कोल्ड कॉफी, ठीक है? और कुछ चाहिए किसी को? पापा, सैंडविच मैं लेके आती हूँ। एक दूसरे को देख क्यों रहे हो? अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने लिए सैंडविच खुद लेके आऊंगी। अच्छा, तो हमारी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई है? ठीक है, तो फिर एक काम करो, जाकर सैंडविच लेकर आओ अपने लिए, लेकिन प्लीज आराम से जाना। बुलबुल बहुत शैतान हो गई है। शैतान? हाँ, अब बच्चा अपनी माँ की आदतें तो लेगा ही ना। जाने दो, मन है उसका। अंकल, एक वेज सैंडविच देना। तो मेरा सैंडविच ले लो। नहीं नहीं, तुमका तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। अरे मेरी आदत है, ले लो, वरना तुम्हारे पापा को तुम पर प्राउड फील नहीं होगा। नो नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सैंडविच कैसे। अरे अरे अरे, अरे रुको, ये सैंडविच ले जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अब तो सैंडविच देकर चली गई। वाह वाह वाह, क्या दिलदार बच्ची है। दो दिनों से भूखी थी, पता है बेचारी। मैंने उसे ये सैंडविच दिया था खाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दुख उसे अपनी भूख से ज्यादा बड़ा लगा, इसीलिए तुम्हें अपना सैंडविच दे गई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ बेटा? अब मैं क्या करूं पापा, वो बेचारी भूखी होगी। ऐसे तो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटा, हम एक काम करेंगे, उस बच्ची को ढूंढ कर भरपेट खाना खिलाएंगे उसे, ठीक है? ये जो तूने आज नुकसान किया है ना, उसकी पूरी भरपाई ना तू भूखी रहकर करेगी, समझी? भूखी तो हमारी छुटकी भी दो दिनों से। रुपा, रुपा, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? हम कुछ नहीं, हम क्या सोच रहे थे देव, चल के उस बच्ची को ढूंढे क्या, कुछ खिला देंगे। हाँ चलो। हाँ है कि नागिन है ये। इतनी बेवकूफ। अच्छा है ना, बेवकूफ है, इनके साथ रहने में ज्यादा मजा आएगा। उस घर में तुम पारो की बेटी बनकर जाओगी तो मजा तो आना ही है ना? पराई बेटी को जब वो अपनी बेटी समझेगी तो कितना मजा आएगा। और फिर तुम अपना जादू दिखाना। हे भोलेनाथ,
पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रूपा। ठीक तो गाड़ी से। हाँ जाओ तुम। बेटा घर कहाँ है आपका? मुझे नहीं पता अंकल, वो लोग मुझे मार्केट में छोड़कर चले गए, अब मेरा कोई घर नहीं है। देव, देव हमें से अपने घर लेके चले। क्या अपने घर? ऐसे किसी किसी बच्चे को अपने घर लेके जा सकते हैं? मैटर सीरियस हो सकता है, अगर इसके माँ बाप ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच गए तो किडनैपिंग केस कर देंगे हम पर। इसमें बहुत रिस्क है रूपा, हम कुछ और सोचते हैं। सोचते हैं मतलब क्या सोचेंगे देव? छोटी सी बच्ची है, चोट लगी है इसे, क्या सोचेंगे? तुम क्या चाहते हो कि इस बच्चे को हम यहाँ सड़क में छोड़ के चले जाएं इस हालत में? तुम्हें अचानक हो क्या गया? मैं भी तो मदद करने की सोच रहा हूँ ना, लेकिन घर ले जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लीगल स्टेप उठाना पड़ेगा, अगला कदम सोचना पड़ेगा हमें। अच्छा, क्या है तुम्हारा अगला कदम? क्या सोचा है तुमने? पुलिस स्टेशन, और क्या? उसके बाद वो लोग खुद संभाल लेंगे मैटर को। देव, तुम जानते हो पुलिस वाले इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। और हमारी बच्ची अनाथ नहीं है, ऐसे बताए तुम्हें कि ये हमारी बेटी है, हमारा खून, हमारी चुटकी। रूपा प्लीज बात को समझने की। नहीं देव, तुम समझने की कोशिश करो। इसने अभी भी बुलबुल को अपना पूरा सैंडविच दे दिया। भूखी है बच्ची, चोट भी लगी है इसे, हम कैसे छोड़ के चले जाएं? तुम बताओ हमें। तुम्हारी पहचान है ना कमिश्नर, तो अब तो उनसे बात कर लो, बाद में कुछ कर लेंगे वो लोग, पर अभी इस बच्ची को घर लेके चलते है ना। देव समझने की कोशिश करो, इस वक्त हम इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ पापा, इसे हम अपने घर लेके चलते हैं ना, ये बहुत अच्छी है। चलो। धन्यवाद भोलेनाथ, आपने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया, अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। अब तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा और आइसक्रीम भी। चलो बेटा, चलिए घर चलिए। चलो अरे ये मेरी सीट है, तुम थोड़ा सा उधर हो जाओ। मुझे भी यही बैठना है। बुलबुल बेटा, इसे चोट लगी है ना, तो आप उस तरफ बैठ जाओ, ठीक है ना?
काम हो गया चीची। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।